जी पीओजी के विस्थापित सेवा समिति की तरफ से मैं बोल रहा हूँ। आज एलजी साहब ने जो कार्यक्रम रखा है उसमें पे पीओजी के डीपीज जो हैं उनके लिए पहले तो ज़मीन दी थी, अब उस पे एक भवन का निर्माण होगा जिसमें वो सारी चीज़ें होंगी, बलिदान स्तंभ, म्यूजियम, रहने की व्यवस्था, पार्किंग, वो सब चीज़ें उस भवन के अंदर बनने जा रही हैं। हमने तो डिमांड की थी लगभग 100 कनाल की, लेकिन सरकार ने 40 कनाल ज़मीन अलाट की है और आज भूमि पूजन होने जा रहा है एलजी साहब की तरफ से। तो हम धन्यवाद करते हैं सरकार का और केंद्र सरकार का भी, खास करके जिन्होंने इस कार्य के लिए मदद की है, और एलजी साहब की भी धन्यवाद करते हैं इसलिए कि एलजी साहब ने समय समय पर पीओजे के डीपीज के लिए कोई ना कोई विशेष कार्यक्रम आयोजन करते रहते हैं। जी क्या कहेंगे, आज पीओजे के भवन का उद्घाटन है। देखिए ये आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे जो पूर्वजों की निशानी थी यहाँ पे, उसके लिए ये यहाँ पे भूमि अलाट की गई है सकेतर में, और हम बहुत ही आभारी हैं हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और एलजी मनोज सिन्हा जी के, जिन्होंने ये इतनी देर के बाद, इतनी सरकारों के बाद किसी ने हमारी आज सुध ली है और यहाँ पे एक फाउंडेशन स्टोन रखने जा रहे हैं। यहाँ पे एक म्यूज़ियम बनेगा और बलिदान स्तंभ बनेगा जो उस समय शहीद हुए लोग उनकी याद में बनेगा, और उसके अलावा यहाँ पे रहने के लिए एकोमोडेशन बनेगी और म्यूज़ियम बनेगा और हमारी लाइब्रेरीज वगैरह बनेगी, और ये बहुत ही एक अच्छा कदम है। हम आभारी हैं हमारे सरकार के, इस समय की सरकार के, जिसने हमारी सुध ली। धन्यवाद।